हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आरती, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो है, ये आपका है कोड 508 का, और इसमें हम आज लेंगे असाइनमेंट जो आपका 2 है उसके। हर एक असाइनमेंट में 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है? तो इसमें से हमने दोनों क्वेश्चंस आपके ले लिए हैं, यानी सत्रीकार जो 2 है उसका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए आइए फिर इनके आंसर देख लेते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जो मेरी वेबसाइट है उसे भी आप एक बार विजिट जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दिया हुआ है। जो लोग सी टेट, यूपी टेट एंड एमपी टेट यानी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर रहेगा। और आपका जो असाइनमेंट 1 है कोड 508 का, वो ऑलरेडी कल मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा और इसके पहले के असाइनमेंट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे वॉच कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं उसका लिंक दे दूंगी। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं आपका जो असाइनमेंट नंबर 2 है उसके फर्स्ट एवं सेकंड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, देन उनके आंसर। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका असाइनमेंट 2 सत्रीकार 2 है, और यहाँ पे चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। और आपको जो ये लिखना है वो 500 शब्दों में लिखना है, सबसे पहली बात। ओके, क्वेश्चन नंबर जिसमें 1 ले लेते हैं कि अर्थपूर्ण व सार्थक शारीरिक श्रम के परिपेक्ष कार्य शिक्षा की अवधारणा की व्याख्या करना है, यानी अर्थपूर्ण व सार्थक शारीरिक श्रम के परिपेक्ष आपको कार्य शिक्षा की जो अवधारणा है वो क्या होती है वो आपको बताना है। सीधी सी बात है, कार्य शिक्षा की अवधारणा बताना है जिसमें सार्थक शारीरिक श्रम हो, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन इसमें से आपका आ जाता है कि कक्षा 6 के कार्य शिक्षा से संबंधित किसी एक क्रियाकलाप का चयन करें और स्पष्ट करें कि उसके द्वारा गणित, भाषा, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन का एकीकरण कैसे किया जा सकता है। तो मैंने ये जो क्वेश्चन है इसको नहीं लिया है, मैंने क्वेश्चन जो है इसको लिया है फर्स्ट वाले को। ओके, तो चलिए आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्य शिक्षा की अवधारणा एवं अर्थ, ठीक है? तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है, लिखना है। मैं पहले फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि मैं आपको जो कंटेंट दे रही हूँ, जो मटेरियल दे रही हूँ, वो सिर्फ 500 शब्दों के लिए नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आपको ए टू जेड ये नहीं लिखना है। इसमें से आपको काट छाट करनी है, इसमें से पहले आपको ये आंसर्स को आप पढ़िए, दिन अपने वर्ड में बनाइए वो पूछ क्या रहा है, इसके बाद अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है? तो आपको इससे कंटेंट निकालने हैं, अपना मटेरियल जो आपको लिखना वो आंसर निकालना है, क्योंकि आंसर तो सभी कुछ है, लेकिन 3.5 या 3.5 पेज में आपको लिखना है। तो कितना आपके उस पेज में आ सकता है सबसे पहले आप ये देख लीजिए, देन इसके बाद लिखना शुरू करिए। और ए टू जेड बिल्कुल वो मत लिखिए जो मैं आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिख दीजिए, ठीक है? तो कार्य शिक्षा की अवधारणा एवं अर्थ में है कि हर देश में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकास करना होता है जो अपने नागरिकों को अपनी प्रतिभा और हुनर के विकास का मौका दे। शिक्षा होती इसलिए है, ठीक है? और देश के विकास के लिए भी शिक्षा जरूरी होती है, क्योंकि व्यक्ति यदि विकास करेगा, डेवलप करेगा, तो हमारी सोसाइटी डेवलपमेंट करेगी, आगे बढ़ेगी। सोसाइटी यदि डेवलप करेगी तो हमारा जो जिला है, फिर स्टेट है, स्टेट के साथ में फिर क्या होता है, देश विकास करता है। तो देश व्यक्ति के शिक्षित होने और उसके डेवलप करने से, उसके विकास करने से देश का विकास होता है, इकोनॉमिक जो होती है बहुत अच्छी होती है देश की। तो ये चीजें थोड़ा आपको अपने वर्ड में भी लिखना होगा। चलिए देख लेते हैं, जिनकी जरूरत उसे जीवन भर रहती है, इसके लिए सुनिश्चित करना जरूरी है कि शारीरिक श्रम को शिक्षा से जोड़ा जाए, यानी कि कार्य शिक्षा को शारीरिक श्रम को, शारीरिक श्रम को किससे जोड़ा जाए, शिक्षा को जोड़ा जाए, यानी जो कार्य शिक्षा है इसको भौतिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बनाया जाए। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके फिर लिखना है कि कार्य शिक्षा के उद्देश्यपूर्ण और सार्थक शारीरिक श्रम माना गया कार्य शिक्षा को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ तो आपको लेनी ही है, जो शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत भाग के रूप में आयोजित किया जाता है। हमारा क्वेश्चन भी यही है, अर्थपूर्ण सामग्री के उत्पादन और समुदाय की सेवा के रूप में परिकल्पित होता है, जिसमें बच्चे असंतोष तथा आनंद का अनुभव साझा करते हैं। कार्य शिक्षा ज्ञान, समझ, व्यवहारिक कौशल और मूल परक जीवन क्रियाओं को भौतिक गतिविधियों में सम्मिलित करने पर जोर देती है। अब हमारा ये था कि अर्थ और सार्थक पूर्ण लिखने के बाद जो कार्य शिक्षा की अवधारणा है उसको स्पष्ट करना था। अर्थ और सार्थक पूर्ण शारीरिक श्रम जो है वो तो हो ही गया, हमने लिख दिया, यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे आपको लिखना है कार्य शिक्षा की अवधारणा को, तो कार्य शिक्षा की अवधारणा को निम्नलिखित घटकों से बेहतर रूप से समझा जा सकता है। तो आप एक नेक्स्ट लाइन लेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि चलिए आइए
संक्षेप देखते हैं कार्य शिक्षा की अवधारणा को किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो कार्य शिक्षा की अवधारणा को निम्नलिखित घटकों से समझा जा सकता है और उसके बाद अब आपको इसके घटक लिखने हैं जो दिए हैं। सबसे पहला इसमें घटक है कार्य शिक्षा, ठीक है। तो इसमें ले लेते हैं, हाथ और मस्तिष्क में समायोजन स्थापित करती है कार्य शिक्षा। भौतिक जो क्रियाएं होती है अंतर्निहित समय उपयोगी शारीरिक श्रम होता है। सीखने की प्रक्रियाओं का, ये भौतिक का मतलब यहाँ पे भौतिक और शिक्षा दोनों को एक करके भौतिक बना दिया गया है, ठीक है ना। अनिवार्य महत्वपूर्ण घटक है। समुदाय के लिए उपयोगी सेवाओं तथा उत्पादन कार्य के रूप में परिलक्षित होती है। बहुस्तरीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के हर चरण में आवश्यक घटक के रूप में जुड़ी हुई है और करने के द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपको ए टू जेड इस तरह मत लिख दीजिएगा। मान लीजिए आपने सबसे पहले जो है टॉपिक फोन नंबर का उठा लिया, फिर आपने ये 3 नंबर का ले लिया, फिर आपने 5 नंबर का, 6 नंबर का ले लिया, फिर 2 नंबर का ले लिया, इस तरह से करके आगे पीछे टॉपिक करके आप लिख दीजिए, ओके। फिर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कार्य शिक्षा में अंतर्निहित कार्य कौन कौन से हैं। तो कार्य शिक्षा में अंतर्निहित जो कार्य होते हैं ये आप लिख दीजिए, इसमें से 3 या 4 पॉइंट आप ले लीजिए। अगर आप बिल्कुल पूरे पॉइंट लेंगे जो हम आपको दे रहे हैं तो आपका जो पेज है उतना आप लिख भी नहीं पाएंगे, जल्दी फुल हो जाएगा। तो अगर आपको अंतर्निहित कार्य लेना है तो आप इसमें से 3 या 4 कार्य ले लीजिए। समस्या समाधान, समालोचन, सोच निर्माण आदि के कौशल को विकसित करना विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं क्षमताओं पर आधारित होते हैं, व्यक्तित्व के विकास में सहायक करते हैं। अब मैंने यहाँ पे 4 बता दिया तो ए टू जेड 4 मत लीजिएगा। सब लोग अपने हिसाब से अपने टॉपिक से आप चेंज करके ले लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, कार्य शिक्षा की सफलता के लिए भी जरूरी है। घटक अभी चल रहे हैं आपके, ठीक है ना। कार्य शिक्षा जो है तो कार्य की शिक्षा की सफलता के लिए भी जरूरी है। तो यहाँ पे क्या जरूरी है, विचारों का खुलापन, श्रम के प्रति आदर एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, समुदाय विद्यालय के बीच सकारात्मक संबंध, सहयोग की भावना, कल्पनाशीलता, रचनात्मक दृष्टिकोण, इसमें से भी 3 या 4 पॉइंट लेके आप इसको लिख दीजिए। अब यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा आपको कंक्लूजन देना होता है, निष्कर्ष देना होता है। तो इस निष्कर्ष में आप रवीन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में मत लिखिएगा, इसको आप निष्कर्ष के रूप में, सारांश के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए शिक्षा को शारीरिक श्रम से अलग नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक विद्यार्थी को अपने विशिष्ट समुदाय के दायरे से बाहर विशाल व्यापक मानव समाज की सेवा के कुछ कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। ये आप यहाँ तक कर दीजिए, इसके बाद इसको छोड़ दीजिए और इसके बाद सीधे यहाँ पे आ जाइए। अब आपको यहाँ से ले लेना है कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि कार्य शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण, अर्थपूर्ण, शारीरिक श्रम युक्त गतिविधि है जो विद्यालयी पाठचर्या के सभी सोपानों में सुनियोजित, सुगठित रूप से समायोजित होती है और उत्पाद अथवा सामाजिक सेवा के रूप में परिलक्षित होती है। इसके बाद आप इसको फिनिश कर दीजिए। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। ये चीज आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे लिख देना है कि संक्षेप में कहा गया है। जो ये चीज है इस चीज को आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना, इसे कट कर दीजिए आप। अब चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा दूसरा इसी का क्वेश्चन, असाइनमेंट नंबर 2 का दूसरा जो क्वेश्चन है कि कार्य शिक्षा से संबंधित क्रियाकलापों में विद्यार्थियों का समूहीकरण व समय निर्धारण एक सशक्त भूमिका रखता है, इस कथन को आप स्पष्ट कीजिए। अथवा आकलन के किसी 2 उपकरणों का चयन करके कक्षा जो 7 है के कार्य शिक्षा से संबंधित किसी एक क्रियाकलाप का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। तो हमने जो इसका आंसर है वो आपका लिया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन से कि कार्य शिक्षा से संबंधित क्रियाकलापों में विद्यार्थी का समूहीकरण और समय निर्धारण जो है बहुत भूमिका रखता है। क्यों रखता है, आपको ये स्पष्ट करना है, ये कथन है। तो देखिए यहाँ पे आप इस तरह से विद्यार्थियों का जो समूहीकरण है इसको ले लीजिए और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि संभवतः हमने देखा है कि जब विद्यार्थी अपने विचारों एवं कल्पनाओं को एक आकार प्रदान करते हैं तब वो खुशी का अनुभव करते हैं और जब वो समूहों में कार्य करते हैं तब। तो यहाँ पे संभवतः आपने देखा है, नहीं लिखना संभवतः, या फिर हमने देखा है कि जब विद्यार्थी अपने विचारों एवं कल्पनाओं को आकार प्रदान करते हैं, इस तरह अपने वर्णों में लेके लिखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर देना है कि उसके अधिगम प्रक्रिया द्वारा प्राप्त आनंद की अनुभूति में सकारात्मक द्विविधि होती है, वे समूह भावना का विकास करते हैं, वे एक समूह से दूसरे समूह में सीखने सिखाने का कौशल करते हैं, सहयोग नेतृत्व जैसे गुणों का स्वतः विकास होता है। तो कार्य शिक्षा के अधिकांश क्रियाकलापों की प्रकृति मुक्त इस प्रकार की होती है कि उन्हें समूह में करवाया जाए तो बेहतर परिणामों की प्राप्ति संभव है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारा अगला है। अब है कि उसी के आगे का है, आप इसको बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है ना। संवेदनशील, सहानुभूति, सहयोग, आत्मनिर्भरता के प्रति समझ, प्रकृति प्रेम, सौंदर्य, पुरुष, श्रम का महत्व, निमित्त आदि में समूह में कार्य करने से अधिक मुखरित रूप से विकसित होते हैं। ये चीज़ें होती हैं बच्चों में जब समूह में कार्य करते हैं। लिखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि समूह में कार्य करने का मतलब क्या होता है, तो बच्चे संवेदनशील तो होते हैं एक दूसरे के प्रति, परिवेश के प्रति यानी पर्यावरण के प्रति, सहयोग की भावना आती है, अंतर्निर्भरता उनमें आती है, प्रकृति को समझने की आती है, श्रम के महत्व को समझते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों में विकसित होती हैं जब वो एक साथ समूह में काम करते हैं, ठीक है। और समूह में काम करने से एक सांझी संस्कृति का माहौल भी विकसित होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप चाहें तो इस बिंदु को आप लिख सकते हैं समूहों के लिए, ठीक है। यदि आप चाहे तो आपके पास यदि लग रहा है कि पेज कम है तब आप लिख सकते हैं। उपरोक्त सकारात्मक पक्ष तभी उभर सकते हैं जब अपने योजनाबद्ध तरीके से विद्यार्थियों के समूह का निर्माण किया हो। समूह निर्माण है तो आप कुछ विशेष बिंदु को ध्यान में रख लेंगे, तो एक दो बिंदु यहाँ से आप ले लीजिए। यदि हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे भी वही बिंदु दिए हुए हैं, तो वो अगर आप बिंदु नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप इस पोर्शन को यहाँ से ले लीजिए, ठीक है ना। कि सभी कुशाग्र और तीव्र गति सीखने वाले बच्चों को एक साथ न रखें। कहने का तात्पर्य है कि मंद गति सीखने वाले बच्चों और मेधावी छात्र बच्चों का मिला जुला जो समूह है वो बनाएं। तो आप उस टॉपिक को नहीं लेना चाहते हैं, इसको नहीं लेना चाहते हैं इन चीज़ों को, तो आप इसे जरूर ले लें और लिख दें, ठीक है ना। अब आगे अगर हम देख लेते हैं इस चीज़ को, आप चाहें तो ले लें क्योंकि आप अगर लेंगे तो बहुत ज़्यादा पेज हो जाएगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप क्या चीज़ लें और बिल्कुल परफेक्ट 3 या 3.5 पेज में आप लिख सकते हैं, 500 शब्दों में आ जाएगा। समय निर्धारण का भी बात है तो समय निर्धारण का सेकंड पॉइंट देख ले, सेकंड पॉइंट आपका देख लेते हैं। अब समय निर्धारण का, तो समय निर्धारण में भी एक कार्य शिक्षा के अंतर्गत गतिविधि की प्रकृति, उद्देश्य, उसके आधार पर प्राप्त होने वाले अपेक्षित परिणामों की प्रकृति के आधार पर प्रत्येक गतिविधि का समय निर्धारित किया जा सकता है। और यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक गतिविधि के समस्त सोपान विद्यालय में ही संपन्न करवाया जाए। कुछ ऐसे भी क्रियाकलाप, कुछ ऐसे भी कार्यक्रम है जिनका प्रथम सोपान विद्यालय में अध्यापक के प्रदर्शन से आरंभ हो और उसके बाद जो है घर, विद्यार्थी के घर में, समुदाय में जाकर अपनी अपनी सुविधा अनुसार अनुभव करें। जो आप TME वगैरह करते हैं, WBSB जो होते हैं, आप ये समय निर्धारण के अंतर्गत ही आता है। समय के संबंध में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है कौन सा कार्य क्रियाकलाप किस सत्र में, किस वर्ष में, किस समय में करना है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इसका निर्धारण जो होता है, इस बिंदु का निर्धारण जो होता है, वो प्रकृति, विद्यालय और समुदाय की आवश्यकता पर निर्भर करेगा। तो आप इस तरह इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हैं कि जो कार्यकलाप है समय के हिसाब से वो शिक्षा कार्यक्रम के अंग बन सकते हैं कौन से, तो ये दोनों को आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। इसके बबाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे आप 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं, आप इनमें से 1-2 पॉइंट ले लीजिए और इनको लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो आपका है ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया है कि विद्यार्थियों का जो समूहीकरण समय निर्धारण से संबंधित भूमिका रखता है। तो कंक्लूजन आपको लास्ट में रखना है, ठीक है। जैसे समय के बारे में कंक्लूजन दिया हुआ है तो आप दोनों का निकाल लीजिए, निष्कर्ष निकाल लीजिए क्या होगा, समय का क्या महत्व है, समूहीकरण का क्या महत्व है, जो महत्व दोनों में बताए गए हैं। उसके बाद दोनों को लास्ट में, हर एक असाइनमेंट में यदि कथन पूछे गए हैं और आप कुछ लिखते हैं तो उसका सारांश जरूर आप लास्ट में लिखिए, निष्कर्ष लिखिए कि क्या निकलता है, आपने अभी तक क्या इसमें बताया है 2-4 लाइनों में जो जरूरी होता है, तो ये आप करके लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका जो ये असाइनमेंट है 508 का असाइनमेंट 2 जो है वो भी फिनिश्ड हो चुका है, एक तरह से पूरा हो चुका है। अब हम आपके लिए इसका असाइनमेंट 3 जो है दोपहर तक में अवेलेबल करवा देंगे। तो इसके पहले का असाइनमेंट का आप वीडियो नहीं देखे हैं 506, 507 का और 508 का फर्स्ट का, तो जरूर आप वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इनका लिंक रहेगा। तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वेबसाइट को आप जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि अब आपके लिए बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं, MCQ है, क्वेश्चंस वगैरह हैं, सब हम वेबसाइट पे ही अपलोड करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।